आने वाले पबी प्ले टाइम चैप्टर 3 के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जहां पर आपको आइडिया मिलता है कि असल में आने वाला चैप्टर 3 में क्या हो सकता है या फिर क्या होने वाला है, क्या शॉक देखने को मिलने वाला है या फिर कौन सा सरप्राइज देखने को मिलने वाला है चैप्टर 3 ऑफ पबी प्ले टाइम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में जहां पर आज मैं बात करने वाला हूं पॉसिबली 3 विलेंस के बारे में जो कि हमें चैप्टर 3 में एज अ मेन एंटागोनिस्ट देखने को मिल सकते हैं। सो आपका लाइक चैनल सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने में, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब ज्यादा बातें ना करते हुए सिट बैक रिलैक्स जस्ट हैव अ लुक। लेकिन उससे पहले बिग थैंक्स टू आवर चैनल मेंबर्स डेथस्ट्रोक, ग्रीक गॉड, लेथल, क्रेटोस और हमारे डायमंड मेंबर टैस एक्सट्रीम। आप चाहो तो हमें सपोर्ट कर सकते हो जहां पे आपको मिलता है हर वीडियो का अर्ली एक्सेस, आपकी रिक्वायरमेंट जो भी आप चाहते हो गेम का एक्सप्लेनेशन या फिर गेम प्ले। सो चेक आउट द ज्वाइन बटन राइट नाउ। ऑलराइट देन, आपको पता है मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है जहां पर मैंने चैप्टर 3 में कुछ विलेंस जो आ सकते हैं उनके बारे में मैंने वीडियोस बनाई है जो कि बेस्ड है कि चैप्टर 2 के एंड में हमें जो सीन हमें देखने को मिला है, जो हमें क्लाइमेक्स देखने को मिला है चैप्टर 2 के एंड में, उसी पे बेस्ड मैंने वो बताए हैं कि कौन से विलेंस आपको देखने को मिल सकते हैं इन चैप्टर 3। सो यहां पर मैं उन 3 विलेंस की बात करने वाला हूं जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। सबसे पहले मैं आपको ये बोल दूं कि पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 3 आने वाला है नेक्स्ट ईयर। फिलहाल कोई डेट निकल के नहीं आई है बट मे बी मार्च अप्रैल के बीच में आ सकता है। चैप्टर 2 के एंड में हमने क्या देखा कि वहां पर जो मम्मी लॉन्गलेग्स है उसे हम मार चुके हैं यूजिंग द इंडस्ट्रियल ग्राइंडर। उसके बाद जो हमारी ट्रेन है वो निकल पड़ती है प्ले टाइम कंपनी से एग्जिट की ओर, लेकिन वहां पे जो पॉपी है वो हमें बिट्रे कर देती है और वो ट्रेन का जो रूट है वो मोड़ देती है जो कि लेके जाता है हमें प्ले केयर की तरफ। अब वहां पर वो कुछ लाइंस बोलती है जो कि शो करता है कि प्ले केयर में ऐसी कुछ चीजें, ऐसा कोई रहस्य छुपा हुआ है जो कि मे बी इस जो भी हो रहा है, जो भी घटनाएं घटी हैं प्ले केयर में, आई मीन प्ले टाइम कंपनी में, उन सब राज से पर्दा उठाएगा। वहां पे कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन वहीं पर हमारा एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से गेम वहीं पर खत्म हो जाता है सस्पेंस के साथ कि प्ले केयर पहुंच चुके हैं। सो यहां पर जो पॉपी है वो चाहती है कि हम सबसे पहले वहां पर चेकआउट करें कि वहां पर कुछ ऐसी चीज है। सो मे बी वहां पर कुछ ऐसा टॉय हो सकता है। देखो ये हम जानते हैं कि जो प्ले केयर है वहां पर ऑर्फेंस को रखा जाता होगा, मे बी वहां पर उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते होंगे या मे बी कुछ और, लेकिन ये हमें पता है कि जो प्ले केयर है वो एक्चुअली ऑर्फन चिल्ड्रंस का घर है। और प्ले केयर में और क्या क्या हो सकता है उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वहां पर मैंने हर चीज बता रखी है प्ले केयर से रिलेटेड। मे बी वहां पे कोई ऐसा टॉय हो जिसे कि पॉपी फ्री करना चाहती है। उसके बाद अब हमें पता है कि जो पॉपी है वो फ्री हो चुकी है, तो क्या पता वहां पे कोई ऐसा टॉय हो जिसे कि पॉपी फ्री करना चाहती हो हमारी हेल्प से, हमें नहीं पता। और क्या पता वही हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है चैप्टर 3 में। लेकिन यहीं पर ये बात निकल के आती है कि जो पॉपी है ऑलरेडी मम्मी से मिल चुकी है, आई मीन हम उससे मिल चुके हैं और हम उसको मार चुके हैं। अब निकल के आता है और कौन सा ऐसा टॉय हो सकता है कि वो चाहती हो कि हम उसे मारें। सो यहाँ पर निकल के आता है डैडी लॉन्ग लेग्स, यानी कि वही मम्मी लॉन्ग लेग्स की फैमिली, यानी कि डैडी लॉन्ग लेग्स। और क्या पता जिस तरह से मम्मी लॉन्ग लेग्स पपी को ग्लास में बंद करके रख सकती है, तो क्या पता कि इसमें कहीं ना कहीं हाथ डैडी लॉन्ग लेग्स का भी हो। क्या पता कि इस पूरी जो फैक्ट्री है वहां पर मम्मी लॉन्ग लेग्स, डैडी लॉन्ग लेग्स और यू कैन से बेबी लॉन्ग लेग्स ही मेन कैरेक्टर हो और यू कैन से मेन विलन हो इस पूरी प्ले टाइम फैक्ट्री के, वो हमें नहीं पता क्योंकि यहाँ पर एक और विलन भी निकल के आता है जो कि है प्रोटोटाइप, यानी कि एक्सपेरिमेंट 1006। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं डैडी लॉन्ग लेग्स की। सो क्या पता जो पॉपी है वो जान चुकी है कि हमारे पास बहुत सारी एबिलिटी है कि हम वो कर सकते हैं जो वो चाहती है हमसे करवाना। अब हो ना हमें ये पता है कि पॉपी को फ्री करने के लिए हमने मम्मी लॉन्ग लेग्स को मार दिया था। अब क्या पता अब वो चाहती हो कि हम डैडी लॉन्ग लेग्स को भी मार दें। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट विलन जो निकल के आता है वो हो सकता है डैडी लॉन्ग लेग्स। मे बी क्या पता कि वो उन सब से कोई बदला लेना चाहती होगी या फिर नहीं, हमें नहीं पता। लेकिन ये है कि हम यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि जिस तरह से उसने मम्मी लॉन्ग लेग्स को मरवाया वैसे ही वो क्या पता डैडी लॉन्ग लेग्स को भी मरवा सकती है और इस काम में उसकी हेल्प करने वाले हैं हम, यानी कि द मेन प्रोटैगनिस्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड मेन विलन की। सो आपको पता है चैप्टर 3 फुल टू बेस्ड होने वाला है ऑर्फन्स पे, क्योंकि जो हमें दिखाए गए हैं, जो साउंड हमें सुनाए गए हैं, जो चीखे हमें सुनाए गए हैं चैप्टर 3 की टीजर में, तो वो बच्चों की है इसमें कोई डाउट नहीं है। वहां पे कुछ ऑडियंस भी हैं, आई मीन कुछ साइंटिस्ट भी हैं जो कि वहां पे तालियां बजा रहे हैं और वहीं पर ही चीखे सुनाई देती है उन चिल्ड्रंस की में भी जिन पर ये टेस्ट हो रहा हो। और जो मास्क हमें देखने को मिला है वो गैस मास्क, यानी कि वो साइंटिस्ट का मास्क हो सकता है, वो हमें देखने को मिला है जो कि पूरी तरह से दावा करता है कि जो चैप्टर 3 होने वाला है वो बेस्ड है पूरा का पूरा ऑर्फन्स पर।
और मे बी हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाया जाएगा जहां पर हमें ये दिखाया जाएगा वीडियो टेप के थ्रू कि बच्चों पर आई मीन ऑर्फन्स पर एक्सपेरिमेंट कैसे होते हैं टॉय फैक्ट्री में। जहां पर हमें दिखाया गया था उस क्लिप में कि सबसे पहले हमें दिखता है हगी वगी, जिसे कि हम चैप्टर 1 में डिफीट कर चुके हैं। उसके बाद हमें दिखती है मम्मी लॉन्ग लेग्स, जिसे कि हमने चैप्टर 2 में डिफीट किया है। उसके बाद हमें दिखता है ब्रॉन। अब उसका दिखने का रीजन मुझे लगता है कि मे बी वो इस चैप्टर का मेन पार्ट हो सकता है, क्या पता कि मेन विलन भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि वो मेन विलन हो, क्योंकि मुझे यहां पर एक फ्रेश विलन चाहिए। और हम ये मान के चल सकते हैं क्योंकि अब तक सारे फ्रेश एनिमीज ही निकल के आए हैं हमारे सामने। सो मे बी कुछ ऐसा, आई मीन कोई ऐसा साइंटिस्ट हो या फिर कोई ऐसा टॉय हो जिसका जो माइंड है वो एक ह्यूमंस की तरह हो, और जो भी हो लेकिन थर्ड पार्ट सॉल्व करेगा मिस्ट्री को, वो है इन ऑर्फन्स बच्चों की जिंदगी से। आई मीन यहीं पर ही ऑर्फन्स जो भी होंगे बच्चे, उनके साथ एक्सपेरिमेंट होता कैसे है और किस तरह से ये जो ऑर्फन्स हैं वो ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं टॉयज में, वो चीज़ हमें दिखाई जाएगी। सो हो सकता है कि यहाँ पर हमें एक ऐसा टॉय देखने को मिले जो कि असल में बहुत ज़्यादा भयानक हो लेकिन एक ह्यूमन बॉडी में हो। इस गैस मास्क को देखकर हम ये भी कह सकते हैं कि क्या पता यही पूरे गेम में हमारे साथ रहने वाला है ये गैस मास्क, और क्या पता एंड टाइम में कुछ ऐसा रिवील हो जाए कि असल में जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वही वो साइंटिस्ट है जिसने कि ये सब कुछ किया है और पपी को याद है, और यही चीज मॉमी लॉन्गलेग्स को भी याद थी। ये चीज तो रिवील करती है कि हम कंपनी में काम करते थे लेकिन एज अ साइंटिस्ट करते थे या फिर नहीं, वो हमें नहीं पता। यहाँ पे अब हम बात करते हैं द लास्ट एनिमी की, जो कि निकल के आता है एक्सपेरिमेंट 1006 प्रोटोटाइप। सो आपको पता है चैप्टर 1 में हमें इसका जिक्र मिला, चैप्टर 2 में हमें ये रिवील हुआ और हमें एक सवाल के साथ छोड़ के गया कि ये डेड पार्ट्स से क्या करता है, ये टॉयज के जो डेड पार्ट्स हैं उनसे क्या करता है। सो क्या पता कि हमें चैप्टर 3 में दिखाई दे 1006 पूरे फॉर्म में, आई मीन एक फ्रैंकस्टाइन वर्जन में। जी हाँ, क्या पता कि वो अपने आप को पूरा बिल्ड कर ले और एक फ्रैंकस्टाइन टाइप का एक ह्यूमन हो जाए जो कि आधा मैकेनिकल हो आधा ह्यूमन हो, क्या पता ऐसा हो सकता है। क्योंकि प्रोटोटाइप है वो बहुत ज़्यादा चालाक है, होशियार है, बहुत तेज़ है, लेकिन वो एक तरह का फेल्ड एक्सपेरिमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंस से भरा हुआ है और बहुत ज़्यादा क्रूल है। लेकिन क्या पता कि हमें चैप्टर 3 में ये दिखाई दे कि जो वो पार्ट्स लेके जाता है बाकी टॉयज से, जैसे कि हमें ट्रेन स्टेशन में जो टॉयज मिलते हैं ऊपर लटके हुए जाल में, वो बाद में हमें नहीं मिलते क्योंकि हमें पता है एक्सपेरिमेंट उसे लेके गया अपने साथ, एक्सपेरिमेंट 1006। मम्मी लॉन्गलेग्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ उसके मरने के बाद, यहाँ तक कि मम्मी लॉन्गलेग्स भी जानती थी कि उसके मरने के बाद क्या होता है। सो वो इस चीज से बहुत अच्छे से वाकिफ थी, लेकिन वो मारी गई और उसका हाफ पार्ट, उसका डेड पार्ट अपने साथ लेके गया एक्सपेरिमेंट 1006। सो हो सकता है कि हमें यही मिले नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन अगर अपनी बात कहूं तो मुझे नहीं जानना कि चैप्टर 3 में कौन सा मेन विलन होने वाला है, लेकिन मुझे ये जानना है कि असल में एक्सपेरिमेंट 1006 यानी कि वो क्लॉ उन डेड बॉडीज के पार्ट से क्या करता है, बड़ा सवाल है जो कि मैं जानना चाहता हूं, और आई होप कि मुझे इसके जवाब जरूर मिले आने वाले चैप्टर 3 में। नाउ इट्स योर टर्न, आपको क्या लगता है कि चैप्टर 3 में इनके अलावा और कौन सा मेन विलेन हो सकता है, जस्ट कमेंट डाउन बिलो। जाने से पहले लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे नए हो और आपको ऐसी ढेर सारे थ्योरीज एंड एक्सप्लेनेशंस कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन मैं वीकी मिलता हूं अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखिए, मजे करे, खुश रहे और देखते रहे। धन्यवाद।